हेलो फ्रेंड फ्रेंड कैसे हैं। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको ये जो है हमारे पास में एक स्टेबलाइजर आया है। इस स्टेबलाइजर में दो इंडिकेटर नहीं है और कस्टमर की डिमांड है कि इसमें जो है ट्यूटर कट होने के बाद इसमें बर्जर बजना चाहिए। ये जो इस टाइप का होता है तो हम इसे भी आपको लगा कर दिखाएंगे। देखिए इसके अंदर अगर कुछ भी ख़राब होता है, जैसे कि ये 1212 ट्रांसफार्मर हो गया और ये जो है एक इस डिज़ाइन का भी आता है, 909 भी आता है, जो सभी इसमें ख़राब होगा हम वो डालने की कोशिश करेंगे इसमें। और जो है अगर इसकी लोटरी ख़राब होती है 4 पोल वाली तो हम ये लोटरी भी डालने की इसमें कोशिश करेंगे। और जो है हमारी ये जो 8 पोल वाली होती है, अगर ये ख़राब होती है तो हम इसको भी डालेंगे। उसके बाद जो हमारे दो इंडिकेटर आ जाते हैं, हम इंडिकेटर को भी इसके अंदर लगाएंगे। ये तो हाल ही में दिखाई दे रहे हैं कि जैसे कि ये ख़राब ही है बिल्कुल। उसके बाद हमारा मीटर आ जाता है। कस्टमर की डिमांड थी कि मीटर भी कहीं भी फंस जाता है, तो हमारे पास में ऑलरेडी एक नया मीटर है, ये हमने इसका सामान जो है बाय कर लिया है। और हम देखते हैं जो चीज़ इसके अंदर ख़राब होती है वो डालते हैं और जो नहीं होती है उसे इसी के अंदर रहने देते हैं। एक ये हमारे पास में देखने को मिल जाती है रिले, अगर ये रिले ख़राब होती है तो हम इसकी रिले भी डाल देते हैं। उसके बाद में हमारे मिल जाती है कट प्लेट, ये कट प्लेट अगर ख़राब होती है तो हम इसे भी डाल देते हैं। कस्टमर की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि ये कट ना ही 300 मार रहा है ना ही 400 मार रहा है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि कट क्यों नहीं मार रहा और इसमें बर्जर की लाइन कहाँ से जोड़ते हैं, कोई सी भी चीज़ अगर इसके अंदर ख़राब होती है तो उसे कैसे रिप्लेस करते हैं। तो फ्रेंड हमने इधर के स्क्रू खोल दिए हैं, ये इधर वाले हो गया हम इसको, इन वाले स्क्रू भी अच्छे से खोल लेते हैं। तो ये हमने इसके 6 स्क्रू अच्छे से खोल लिए हैं। देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो हमने स्क्रू हैं ये अच्छे से खोल लिए हैं। इन्हें कर देते हैं साइड और जो भी हमारे पास है ये सामान, हम इस सामान को कर देते हैं एक साइड। तो जैसे कि फ्रेंड हमने एक सामान कर दिया इसका साइड, अब हम जो इसका ओपन करते हैं। ये आपके सामने ढक्कन ओपन कर दिया है। अब उसके बाद में हम दिखाते हैं इसको। स्टोपैर में कुछ देखने में ये ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पर कितनी डस्ट जम हुई है, तो हम इसको थोड़ा साफ करने की सफाई कर लेंगे इसकी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इसकी कट प्लेट है और ये जो है इसमें रिले है, ये रिले भी थोड़ी बड़ी है। और जो है इसकी एक रोटरी ये है और एक रोटरी ये है और एक इसका मीटर है। तो आइए फ्रेंड देखते हैं कि हम इसमें जो है, कस्टमर की डिमांड थी कि इसमें जो है बर्जर लगाना है और जो ये कट भी नहीं मार रहा है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इसे सप्लाई देकर देखते हैं, चेक करके देखते हैं कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है। तो हमको क्या करना है, जैसे कि ये दो तार ले लेने हैं, ये इसके पीछे बांध देने हैं। आपको ये नहीं पता कि आउटपुट इनपुट कौन सी है, यहाँ पर कोई लिखा हुआ नहीं है, तो आपको यहाँ से भी पहचान सकते हैं। जो एक ये वायर जो होता है, जैसे कि मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चारों वायरों में से जो एक वायर है ये इस वाली 8 पोल वाली लोटरी पर जाता है। तो एकदम फट जाना समझ जाइए कि दो जो इधर हैं ये हमारे इनपुट लाइन के हैं, ये वाले आउटपुट लाइन के हैं। तो आपको स्क्रू ढीला कर लेना, उसके बाद में आपको इसमें अच्छे से तार खींच देना है। तो जैसे कि हमने ये तार बहुत अच्छे से इसमें टाइट कर दिया है, अब हम इसको चेक करके देखते हैं। जैसे कि हमने सीधा कर लिया है, उसके बाद में हमारे पास में आ जाता है एक प्लग देखने के लिए। हम इसको प्लग को इस बोर्ड के अंदर इंस्टॉल करते हैं। बोर्ड के अंदर इंस्टॉल करने के बाद में हम जैसे कि इसकी डिस्प्ले पर देखते हैं, इसकी डिस्प्ले पर कोई लोगो नहीं आया है। ये देखिए ये इसमें सुई उठना स्टार्ट हो गया, पर कस्टमर की डिमांड है कि ये मीटर जो है, डिमांड नहीं, वो कस्टमर बोल रहा था कि ये जो है मीटर कहीं भी फंस जाता है। तो हम इसको भी देखेंगे। सबसे पहले जो है आपको दिखाई दे रही होंगी इसकी दो आँखें, ये बिल्कुल खत्म है, तो हम इसको ही रिप्लेस करें। ये तो लगता है हम अच्छे से काम कर रहा है, फिर भी हम इसकी से देखते हैं। फिर भी सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये दो तो ये जो दो इंडिकेटर हैं ये हमें इसके चेंज करने हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, ये जो इसका ये जो वायर दिखाई दे जाता है आपको इसे हटा देना है। और इस हटाने के बाद में सबसे पहले आपको इंडिकेटर चेंज करने हैं। तो जो इंडिकेटर आपको दिखाई दे रहा होगा इसे प्लास्टिक को से तोड़ देना है। अब हमें इसे लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए हम इसको जैसे कि खोलने की कोशिश करते हैं, ये जो हमारा नट होता है ये इस टाइप से खुल जाता है, जैसे कि आपके सामने खुल के ये आ जाता है। हमें ये दिखाई दे रहा है मैन और ये दिखाई दे रहा है कट, तो ये आपको कट की तरफ लगा देना है। तो ये देखिए जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये इसमें आने की कोशिश नहीं कर पा रहा है। तो हम ये जो आपके सामने ये कैंची या कोई टूल की मदद से आपको इसको इस तरीके से कर देना है, दोनों होलों को इसकी बराबर ही कर लेना है, उसके बाद में आपको लगा देना है। तो देखिए हम इससे वीडियो थोड़ी रोक देते हैं, हम होलों को बड़ा कर लेते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि हमने इसमें होल दोनों कर दिए हैं कैंची की मदद से, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको ये वाला लाल वाला इंडिकेटर ले लेना है और लाल वाला जो है ये कट वाले की तरफ खींच देना है। तो उसके बाद में जो इसका ये चकनट होता है आपको इस टाइप से खींच देना है। देखिए जैसे कि मैं ये जो है इसका चकनट खींच देता हूँ,
ये हमने खरीदने के बाद में आपको ये हरा वाला ले लेना है, उसके बाद में जो है ये मैन वाली में खींच देना है, मैन वाली में खींचने के बाद में आपको पीछे चकनट खींच देना है इसका। आपको ये अच्छे से टाइट करने के बाद में आपको फिर कुछ नहीं करना है, इसके बाद में आपको इसको कनेक्शनों पे आ जाना है। कनेक्शनों पर आने के बाद में आपको क्या करना है, एक इसका वायर ले लेना है, एक इसका वायर ले लेना है, जहाँ तो कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने ये वायर ले लिए हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसे किसी नील की मदद से छीन देना है। छीनने के बाद में जैसे कि आपको देख पा रहे होंगे, ये हमने अच्छे से छीन लिए हैं। ये जो है हमारा एक ये जो आता है, ये दो जो दिखाई देते हैं इस पर से जो मीटर पर वो आता है, ये ध्यान दीजिए कि इधर आ रहा है, ये इधर भी मिल जाता है, कभी इधर भी मिल जाता है, इसकी कोई बात नहीं है, आपको इस पर ध्यान देना है। उसके बाद में जो है आपको इस वाले पे बांध देना है, जैसे कि ये नहीं आ पा रहा है, जैसे कि मैं खींचने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये नहीं आ पा रहा है, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें जोड़ लगा लेना है। जैसे कि मैं इसकी जैसे कि ये मैंने वायर ले लिया है, अब मैं इसकी मदद से इसमें जोड़ लगा देता हूँ। ये मैंने छीलने के बाद में इसमें दोनों में बांध दिया है। बांधने के बाद में आपको इसे अच्छे से टैप कर देना है। मैं इसे टैप बात को करूँगा, पहले इसको बांध के देख लेता हूँ। जैसे कि ये छिलगा, छिलने के बाद में अब तो यहाँ पे भी आ सकता है, चाहे यहाँ पे भी बांध सकते हैं, चाहे यहाँ पे भी बांध सकते हैं, तो मैं इसे यहाँ पे बांध देता हूँ। अच्छे से आपको ये तार बांध देना है, उसके बाद में जो है आपको ये टैप कर देना है। जैसे कि अब मैं इसको टैप करूँगा, तो जैसे कि मैंने टैप देख लिया, उसके बाद में मैं इस वाले जोड़ पर लगा देता हूँ। इस पर लगाने के बाद में हमारे ये दो वायर बचते हैं, ये वाला जो वायर होता है हमारा मीटर के, इस वाले इस पर बांध देना होता है। जैसे कि मैं ये छील कर बांध रहा हूँ, आपको ये अच्छे से सोल्डर भी कर देने हैं। जैसे कि ये मैंने अच्छे से इसका तार टाइट कर दिया है। तार टाइट करने के बाद में जो हमारा एक ये वाला जो इसका आता है, तो ये वाला जो आपको देखिए, मैं आपको ध्यान से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये जो होता है इसका ये कट का होता है, जब ये कट मारता है तो इस वाले पे लाइन आ जाती है। तो ये वाला वायर जो है, देखिए मैं आपको ऊपर को दिखा रहा हूँ, ये वाला जो वायर है, ये वाला जो वायर है, ये यहाँ पे बांध देना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें जोड़ लगा लेता हूँ। फ्रेंड जैसे कि हमने ये वाला वायर देख लिया है, अब हम इसके क्या करते हैं, इसके साथ बांध देते हैं। इसके साथ बांधने के बाद में जो है ये वाला जो है हमारा, ये जो है हम नीचे इसकी बांध देते हैं। जैसे कि हम इसको ड्राइवर की मदद से इसको ढीला कर लेते हैं। ये हमने जैसे कि अच्छे से इसमें टाइट कर दिया है। अब जो हमारी जो ये वाला जो वायर है, हमें ये वैसे टूटा हुआ था, आपको कुछ नहीं करना है, इसे काट देना है। ये पहले वाले इंडिकेटर का था जो हमने फेंका है निकाल के। उसके बाद में जो है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो टुका है, तो हम अब जो है इसमें इंडिकेटर जो टूटर होता है ना, जो बोलता है बर्जर पे, तो उसके बाद में हम ये वाला जो दिखाई दे रहा होगा आपको, ये टूटर, अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं इसके अंदर। तो देखिए तो कैसे इंस्टॉल करते हैं, आपको ये दोनों बार छील ले लें अच्छे से। देखिए जैसे कि हमने अच्छे से छील लिए हैं बहुत अच्छे से। अब ये जो इसका ये इंडिकेटर का दिखाई दे रहा होगा, ये आपको इसके साथ बांध देना है। और ये इसके साथ बांधने के बाद में आपको जो है अच्छे से इसको टाइप कर देना है। तो आपको ये वाला जो टाइप है ये ले लेना है, उसकी मदद से आपको टाइप की मदद से इसको अच्छे से लगा देना है। अच्छे से लगा देने के बाद में जो आपको ये वाला जो इसका जो दिखाई देता है आपको, ये आपको दिखाई दे रहा होगा जो इसका एक वायर है, जो ये इसका इंडिकेटर का जो दूसरा होता है, जो इंडिकेटर का जो दूसरा होता है, तो ये देखिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये जो आता है इसके साथ में ही आप, तो ये मैंने टैप लगा दिया, कोई बात नहीं, आप इसे चाहें तो नीचे भी बांध सकते हैं। ये वाला जो वायर आ रहा है हमारा, ये देखिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको,
ये वाला जो था आप इसके साथ में ही फिर बांध दीजिए इसे। इसे बांधने के बाद में जो गेज है हमारा इसके साथ बांध लेना है। अभी हम इसे अच्छे से टाइप करेंगे। अब हमने ये बांधने के बाद में जो हम इसको क्या करते हैं फ्रेंड, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये वाली मैन वाली सप्लाई ले लेनी है। और मैन वाली सप्लाई लेने के बाद में आपको जो है ये वाला प्लग पकड़ लेना है और ये वाला जो बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको इसके अंदर इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद में जो है आपको मीटर डिस्प्ले पर आ जाना है। कोई बात नहीं है, इसका जो कि पेज टूटा हुआ है हम इसको पेज को भी लगाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जैसे कि हम इसके डिस्प्ले पर आ गए हैं, हमारी जो है इस वाली लाइट के अंदर जो है हमारी लाइट आ गई है, इसके अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो ये 300 पे क्या कि तो काई पे कट मार ही नहीं रहा। तो हम क्या करते हैं इसके कट पर आ जाते हैं, ठीक है, और कट को आ के देखते हैं कि इसमें कट में क्या प्रॉब्लम है। कट को चेक करने से पहले एक बार इसको देख लेते हैं, कभी कभी इसकी वजह से भी समस्या आ जाती है, इससे भी कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो आपको सबसे पहले जो चेक करना होगा इसका 909 जो लगा हुआ है, छोटा वाला ट्रांसफार्मर जो दिखाई दे रहा है, आपको इसे चेक करना है। उसे चेक करने के बाद आपको इसको चेक कर लेना है। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो बिजली का तार है इसे हटा देना बिल्कुल। इसको हटाने के बाद में जो आपको ये कट प्लेट खोल लेनी है बिल्कुल, खोलने के बाद में जो आपको ये दूसरा वाला भी इसका वायर खोल लेना है, किसी ने वायर की मदद से बांध रखी है। आपको कुछ नहीं करना है, जो इसके जो रेड वाले जो दिखाई देते हैं आप देखिए, जो कि ट्रांसफार्मर लगा हुआ दिखाई दे रहा है, ये हमारा 909 है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 909 है, देखिए ये गौर से 909 है। जो इसके ये जो वाले जो वायर हैं ये आपको दो दिखाई दे रहे होंगे। अब हम इसकी इसे चेक करके देखेंगे कि हमारा ख़राब है क्या नहीं है। ख़राब है तो आपको ये आगे वाला या आगे वाला एक साइड से इसको काट लेना है। देखिए जैसे कि मैं इस वाली साइड से काट लेता हूँ, ये मैंने इस वाली साइड से काट लिया है। उसके बाद में क्या करना है, आपको ये अच्छे से छील लेना है। ये छीलने के बाद में जो है कोई मल्टीमीटर या मीटर की मदद से आपको आपको जो ये मीटर दिखाई दे रहा होगा, आप चाहें तो इससे भी चेक कर सकते हैं। आप जो सीरीज लैंप होती है उससे भी चेक कर सकते हैं इसको। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बीप की रेंज पर रख लेता हूँ। जैसे कि आपको ये बीप की रेंज दिखाई दे रही होगी, चाहे तो आपके पास में पीला वाला मीटर भी हो तो उसकी कोई बात नहीं है। तो हम क्यों करना है, एक तो इसके इस वाली प्रोप पर बांध देना है और एक इस वाली प्रोप पर लगा के देखना है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं इसकी कोई रेटिंग नहीं आ रही है, तो हमको लगता है कि इसका 909 का काम डल गया है। तो हमको कुछ नहीं करना, हमको 909 ही इसका दूसरा चेंज करना है। तो हम इस वाले तार को भी कट कर लेते हैं, उसके बाद में जो हमारे ये वाले आते हैं हम इनको भी कट कर लेते हैं। जैसे कि हमने इसके 909 के बिल्कुल कट कर लिए हैं, तो हमें जो इसका नीचे जो इसको खींचा हुआ दिखाई देता है तो हम उसको जो है लूज कर लेते हैं, उसको ढीला करके हम इसको 909 को निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड ये जो है आपको मैंने जो थोड़ा लूज कर लिया, उसके बाद में जो आपको ये खोल ले रहा है, देखिए आपको इस तरीके का बोल्ट निकलेगा। उसके बाद खोलने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, इसको 909 को जल्दी से निकालना है। इसके बाद में निकालने के बाद में हमें देख रहा 909 है, तो हमको 909 पकड़ लेना है। जैसे कि हमारे पास भी 909 है, ये छोटा है बट कोई बात नहीं है, चलो चलेगा, फिर भी चलेगा। आप चाहे तो 12012 जो इस तरीके का ट्रांसफार्मर हो सकता है ये भी आप डाल सकते हैं, बट क्या है ये महंगा मिलता है थोड़ा, ये थोड़ा सस्ता मिलता है तो हमें कस्टमर अच्छे पैसे देता है। तो हमें क्या करना होगा, ये 909 डाल देना होगा। हमें डालने के बाद में हम इसको बोल्ट में डालने की कोशिश करेंगे, ये नहीं आएगा। तो आपको ये पेचकस ले लेना है, पेचकस की मदद से आपको इसको इस तरीके से ऐसे घुमा देना है। घुमा देने के बाद में जो आपको कुछ नहीं करना, इसको पत्ती को हल्का सारा सीधा कर लेना और जो वो जो आपको सामने बोल्ट दिखाई दे रहा है उसकी मदद उसमें डाल देना है। आपको जो इसका ये एक बात और समझ लीजिए, जो इसका बीच वाला वायर होता है इसको कुछ नहीं करना है बिल्कुल, आपको किसी प्लास की मदद से आपको इसको कट कर देना है। ये जैसे ही कट हो गया उसके बाद में आपको जो है इसके अंदर डालना है, ये मैंने उसके बोल्ट के अंदर डाल दिया है। जो अभी हमने ये जो नट उतारा था ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये उसमें खींच देना है। तो हम इसको खींचते हैं, आइए देखते हैं। देखिए हम इसको अच्छे से टाइट करेंगे, ये जो हमने अच्छे से टाइट कर दिया। अच्छे से टाइट करने के बाद में आपको क्या करना है, ये जो इसके वायर देख रहे हैं, जैसे कि उसके वायर खोले थे आपने उसके ही जैसे खोले थे आपको उसको बांध देने हैं। एक जो हमारा रेड वाला इस पे शोल्डर होगा और दूसरा वाला हमारा इस पे शोल्डर होगा। तो हम अपना आयरन गर्म कर लेते हैं। तो फ्रेंड आपको जो भी दिखाई दे रहा होगा कायरा का, ये जो आपको देख ले रहा है कि बहुत
अच्छे से गर्म होगा क्या? नहीं, ये अच्छे से गर्म हो गया है। उसके बाद में क्या करना है आपको, ये तारों को अच्छे से छील लेना है। अच्छे से छीलने के बाद में जो है इस तरीके से आपको कांति की या नील की मदद से छील लेना है। छीलने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो के वाले वायर दिखाई दे रहे हैं आपको इनको भी छील लेना है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं हमने इनको भी छील लिया है। इनको छीलने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें ऐसे फिरा देना है इनको। इस वाले को भी इसमें लगा देना है। इसको लगाने के बाद में आपको क्या करना है, इनको भी लगाना है। इनको लगाने के बाद में आपको क्या करना है, एक काया पकड़ लेना है और काया अच्छे से पकड़ना है, आपको किसी के लगने जावे। और ये जो काया दिखाई दे रहा होगा आपको, ये इस तरीके से पिलकाने के बाद में जो आपको रेड वाले वायर ले लेने हैं। रेड वाले वायर को इस तरीके से फिराना है, ये इसी तरीके से इस वाले पर फिराना है। अभी फिराने के बाद में जो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि देखिए, हम इसे कट प्लेट को साइड कर लेते हैं। ये जो यहाँ पर लगा हुआ था ये रेड वाला, आप रेड ही लगाइए। ये हमने बहुत अच्छे से शोल्डर कर दिया है, इस पर आदमी पे लग जा कुछ नहीं होगा। हम इसको देखते हैं, आइए, ये वाला जो हमारा वायर है ये हमने यहाँ पर शोल्डर कर दिया है। और यहाँ पर शोल्डर करने के बाद में हमें ये ब्लैक वाले दिखाई दे जाते हैं और हमें ये नीले वाले भी लगे हुए दिखाई दे जाते हैं। कोई बात नहीं, हम इनको हटा के फेंक देते हैं, इनका कोई काम नहीं है। ये एक और देखिए, ये वाला फेंक दिया हमने। ये हमने इसमें अच्छे से ब्लैक वाले जो दिखाई दे रहे होंगे आपको, इसको ब्लैक वाले को शोल्डर कर देना है। ये देखिए आपके सामने बिल्कुल शोल्डर हो चुका है, ये अच्छे से शोल्डर हो चुका है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको काई एक साइड कर देना। और एक साइड करने के बाद में जो आपको इसका जो है आपको देखिए तेजी से मैं दिखाता हूँ। जैसे कि आपको ये वाला प्लग दिखाई दे जाता है, प्लग दिखाई देने के बाद में आपको बोर्ड के अंदर इन करना है। बोर्ड के अंदर इन करने के बाद में जो आपको इस चीज़ को बिल्कुल साइड कर देना है। साइड करने के बाद में लगता है कि इसने डलने के साथ ही कट ले लिया है। अब कट ले लिया है तो हम देखते हैं इसको कम करके कहाँ पे इन्हें कट लिया है। लगता है कि हमारा इसका पुराना ही वाला जो कट था वो ही सेट था, हमें इसको कोई सेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। बट हमने ये घुमा दिया था, फिर भी हमको सेट करना देखना पड़ेगा। तो हम देखते हैं इसको, जो हमारी ये रोटरी है अच्छे से काम कर रही है कि नहीं। ये देखिए, ये जो हमारा इस पर आ गया है, ये जो हमारा बिल्कुल कम हो रहा है। और ये देखते हैं हम, ये भी अच्छे से काम कर रही है, ये भी और ये भी और ये भी अच्छे से काम कर रही है। तो अगर फ्रेंड आपको ये कोई इस पर काम करती है, किसी पर नहीं काम करती है या बंद हो जाता है, तो आपको खड़क देना समझ जाना होगा कि हमारी ये लॉटरी ख़राब है। अब जो हमारा स्टोबायर बिल्कुल ओके हो चुका है, इसमें जो दूसरी बात बची थी, कस्टमर ने बोला था कि इसका मीटर रुक जाता है, तो आइए हम इसका मीटर देखते हैं कि रुक जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, फिर सिर्फ इसको क्या करना है, 2 से 3 बार इस तरीके से आपको घुमा देना है, जहाँ इसका जो मीटर है वो फंसा हो तो वो नहीं फंसना चाहिए। जो इसकी लुप्पी होती है वो साइड जाकर लग जाएगी। तो आपको इसको 3 से 4 बार चला देना है। देखिए, हमने जो इसके अंदर अभी लाइट आ रही है, मैं आपको अब इसकी जो है ये आउटपुट की लाइन चेक कराता हूँ कि आउटपुट लाइन में कितने वोल्टेज आ रहे हैं और ये हमारा जो है कितने पे कट ले रहा है। तो आपको जो ये मीटर दिखाई दे रहा होगा ये वाला, देखिए आपको ये क्या करना है, एसी बोर्ड पर 600 पे सेट कर लेना है। आपके पास में अगर 300 में हो तो 300 में भी सेट कर लेना है। तो आइए हम दिखाते हैं इसमें, यहाँ पर अच्छे से लगा देते हैं। अच्छे से लगाने के बाद में अगर हम इसकी डिस्प्ले एक साइड से ये जो है आपको ये वाला पेज दिखाई दे रहा होगा, आपको इसको घुमाना है। देखिए जहाँ पे भी ये कट मार गया है, तो ये जो कट मार गया है आपको ये देखना फिर एक बार में, ये हमारा कितना आ गई, ये हमारी 200 पे आ गई। 200 पे आने के बाद में जो है आपको यहाँ पे इसका कट करना है। अब जो इसके बाद में जाए वो कट मार जाए, तो हमारा बहुत अच्छे से कट मार रहा है। कट मारने के बाद में हम इस तरीके से इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से कट मार रहा है, ये बिल्कुल ओके होगा। इसका जो बर्जर है वो भी चालू हो गया है। और आपको अगर कोई भी स्टोरेजर 3 किलोवाट या 2 किलोवाट चाहिए तो हमारे पास में जो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये वाली जो हमारे पास में बिल्कुल बुकिंग अभी आई है, ये आपको दिखाई दे रही होगी। निरी बुकिंग आती रहती है हमारे पास में। अगर आप बनवाना चाहें तो हमें बाय भी कर सकते हैं, हमारे कमेंट में जो है लिख के भेज सकते हैं कि हमें स्टेबलाइजर एक बाय करना है। मैं अपना मोबाइल नंबर भी दे दूँ आपको, अगर बाय करना है तो स्टेबलाइजर में। अब ये जो है आप अपने ही ऐसे घर में स्टेबलाइजर ठीक कर लेते हैं। उसके बाद में जो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये जो प्लग दिखाई दे रहा है फिर हटा देना है। हटाने के बाद में जो आपको नहीं ये वायर जो छोड़ा था, आपको उसको वायर को जो है अच्छे से टैप कर लेना है ताकि किसी के करंट ना लगे। जैसे कि मैंने अच्छे से टाइप कर दिया है। और जो कि हमारी कट प्लेट बचती है, तो आपको क्या करना है, ये कट प्लेट को इस तरीके से जिस तरीके से खोली थी आपको इस तरीके से इसको बांध देना है। तो जैसे कि मैं इसे कट प्लेट को बांधने के लिए जो है जिस वायर से हमने ये खोली थी वही वाले वायर से हम इसको एक साइड से बांध देते हैं ताकि ये हिले ना, बॉडी से टच ना हो।
तो ये हमने अच्छे से बांध दिया, जो कि हमारा टूटर पड़ा था ये खाली हाथ पड़ा था बिल्कुल। अब हम इसको टूटर को भी देखते हैं हमें कहाँ को बांधना है, तो हमें ये वाला हार्ड तार देखने को मिल जाता है, हमें इसको यहाँ पे बांधना होगा। तो हम कुछ नहीं करते हैं, आइए देखते हैं कि ये जो हमारे पास में ये एक वायर है, हम इसकी मदद से भी इसको बांध देते हैं। ये हमने बांध दिया है, इसमें अच्छे से बांधने के बाद में जो है आपको कुछ नहीं करना है। ये अब जो है ये मीटर जो कस्टमर ने बोला था कि फंस रहा है, आपके मीटर भी नहीं फंसेगा, आपको कुछ नहीं करना है। फिर दूसरी भी इसका आपको तेज़ी से ढकना उड़ाना है, तेज़ी से उड़ाने के बाद कुछ तरीके से बंद करना है, और ये चारों स्क्रू इसके जो है 6 स्क्रू अच्छे से टाइट कर देने हैं। देखिए मैं आपके सामने स्क्रू बहुत अच्छे से टाइट कर रहा हूँ, ये देखिए आपको इन्हें बिल्कुल साइड कर देना है। तो फ्रेंड ये जैसे कि हमने बिल्कुल 6 स्क्रू बहुत अच्छे से टाइट कर दिए हैं, उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है। ये वाले जो वायर दिखाई दे रहा है आपको, इनको भी खोल देना है। और इन्हें खोलने के बाद में जो है देखिए बिल्कुल सही टाइम पर बिल्कुल हमारे साथ में ये कस्टमर आन के खड़े हुए हैं बिल्कुल। हम इनको ये पकड़ा देते हैं, ये वायर ये बिल्कुल तैयार हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डाल पाएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और मैं आपको बिल्कुल इतना हाई टेक्नीशियन बना दूंगा कि बहुत ज़्यादा हाई टेक्नीशियन बनने को मिल जाएगा आपको। तो जल्दी से एकदम जाइए और इस तरीके से बिल्कुल जो है सब्सक्राइब को दबा दीजिए। ये जो हमने बिल्कुल टूटर बिल्कुल अच्छे से बांध दिया, अच्छे से बांधने के बाद में ये कट प्लेट भी, और अच्छे से बांधने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, आपको जो है ढकना ले लेना है, ऐसे ढकने को बिल्कुल टाइट कर देना है। अब हम जो है इसके बिल्कुल इसको अच्छे से टाइट कर देते हैं, या अच्छे से टाइट करने के बाद में आपको पिचकस की मदद से जो है आपको तो फ्रेंड ये बिल्कुल आपको अच्छे से बिल्कुल टाइट कर देना। अच्छे टाइट करने के बाद में जो आपको जो है स्टोपेयर रखा है आपके सामने, आपको कुछ नहीं करना है, फिर इसके पीछे आ जाना है। पीछे आने के बाद में आपको जो है अच्छे से बिल्कुल खोल देना है। ऐसा खोलने के बाद में जो है हमारे ये देखिए हमारे कस्टमर बिल्कुल मौजूदा बिल्कुल सामने खड़े हैं, हम इनको देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और